मेरे परदादा संस्कृत और हिंदी जानते थे, माथे पर तिलक और सर पर पगड़ी बांधते थे। फिर मेरे दादाजी का दौर आया, उन्होंने पगड़ी उतारी पर जनेऊ बचाया। मेरे दादाजी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे, जानना तो दूर, अंग्रेजी के नाम से कन्नी काटते थे। मेरे पिताजी को अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आई, कुछ खुद समझे और कुछ अर्थचक्र ने समझाई, पर वो अंग्रेजी का प्रयोग मजबूरी में करते थे, यानी सभी सरकारी फॉर्म हिंदी में ही भरते थे। जनेऊ उनका भी अक्षुण्य था, पर संस्कृत का प्रयोग नगण्य था। वही दौर था जब संस्कृत के साथ संस्कृति खो रही थी, इसलिए संस्कृत मृत भाषा घोषित हो रही थी। धीरे धीरे समय बदला और नया दौर आया। मैंने अंग्रेजी को पढ़ा ही नहीं, अच्छे से चबाया। मैंने खुद को हिंदी से अंग्रेजी में लिफ्ट किया, साथ ही जनेऊ को पूजा घर में शिफ्ट किया। मैं बेवजह ही दो चार वाक्य अंग्रेजी में झाड़ जाता हूं, शायद इसीलिए समाज में पढ़ा लिखा कहलाता हूं। और तो और, मैंने बदल लिए हैं कई रिश्ते नाते, मामा चाचा फूफा अब अंकल नाम से जाने जाते हैं। मैं टोन बदलकर वेद को वेदा और राम को रामा कहता हूं और अपनी इस तथाकथित सफलता पर गर्वत रहता हूं। मेरे बच्चे और भी आगे जा रहे हैं, मैंने संस्कार चबाया था वो अंग्रेजी में पचा रहे हैं, यानी उन्हें दादी का मतलब ग्रैनी बताया जाता है, रामा वॉज ए हिंदू गॉड गर्व से सिखाया जाता है। जब श्रीमती जी उन्हें पानी मतलब वाटर बताती है और अपनी इस प्रगति पर मंद ही मंद मुस्कुराती है। जाने क्यों मेरे पूजा घर की जीर्ण जनेऊ चिल्लाती है और मंद ही मंद कुछ मंत्र यूं ही बुदबुदाती है, कहती है ये विकास भारत को कहां ले जा रहा है, संस्कार तो गल गए अब भाषा को भी पचा रहा है। संस्कृत की तरह हिंदी भी एक दिन मृत घोषित हो जाएगी, शायद उस दिन भारत भूमि पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी।